आला स्वामी है जा होर दूजे तीजे हैं कई कहते जी तो जो आंदा इन्होंने निंदा करके जो होंगे होर तो कुछ सुना नहीं वो भरावल सुना टाइम ही नहीं होर कोई टाइम भी अज इन्ह चीजा का और आला स्वामी का कोई चेला चाकना हो कहे पुछो भी तो गुरु के अखर का अर्थ की है तो वह अर्थ कर दे फिर आला नाम है रूह का स्वामी नाम है मालिक का जेड़ा रूह का मालिक होने के असर आला स्वामी कहने मन लो उन्होंने मन लग जाए दो मिनट वास्ते विचार जो करनी आप रूह का मालिक होंगे जिम्मे हम आप इतने कट्ठे बैठे हैं अपनी रूह में होवे कोई तकलीफ दुख होवे ते रूह अपनी करे फरियाद ते रूह का मालिक बैठा इस पंजाब इतने बैठा आके रूह की रक्षा करे ते दुख तो छड़ावे कौन राणा स्वामी कहेगा आप एक साथी पढ़ के मुड़ के कथा करनी शब्द दी राणा स्वामी है गुरु तेग बहादुर साहब जी क्योंकि उस बाबा बकाला नेड़े होने राणा स्वामी ने नाल थोड़ी बात को बहुत ही व्यथ नहीं रूह के मालिक बैठे है बाबे बकाले च रूह फरियाद कर दिया समुन्द्र च मक्खन शाह के रूप च मक्खन शाह का जहाज डुबन लगा सारी दुनिया जानती है चीज रूह ने की फरियाद फरियाद भी कहो जी की है कि हे राणा स्वामी जी मैनू ए भी पता है तुम हो कौन हो हूं तो ना ला देंगे ना फलाना सिंह और रूह के मा रूह जरा फरियाद करने वाली रूह है और कोई पता नहीं रूह का मालिक कौन है नाम की है बेनती की रूह के मालिक राणा स्वामी गुरु नानक देव जी गुरता गद्दी के मालिक मैनू कोई पता नहीं तुसी कौन हो और मैनू ए निश्चय कि तुसी रूह के मालिक हो जिथे कोई याद करना से पहुंचते हो सच्चे पातशाह मैं तुहाडा पुजारी सेवक तुसी मेरी रूह के मालिक मैं चेते कर रहा मेरा जहाज बन्ने ला लो मैं 500 मोर भेटा करांगा इन हर कोई उठ के दसन वाला जो टेलीफोन किया हो मक्खन शाह ने वायरस भेजी हो रूह भी वायरस जरूर गई है रूह ने माल कराला स्वामी गुरु तेग बहादुर साहब जी सुनी फरियाद ता चौधरी प्रीतमी ने पुकार सुन के अपना मोढ़ा ला के कंधा ला के गुरु के प्यारो जहाज बन्ने ला दिता दसो राला स्वामी हंक ने गुरु तेग बहादुर साहब जी रूह ने फरियाद की ही मालक बने रूह दे अज वाले भला कहो क्या ब्यास वाले के बाबा जी असि जिन्ना टाटा बैठे इतने मैंने पता लगा 40,000 के लगभग लाज फैक्ट्री काम कर दे हो सकता वो घट हो थोड़े कहे उन्होंने कहो भी सारे राला स्वामी असि बन जागे पर साड़ी एक गल जरूर मनो साडे राला स्वामी रूह के मालिक ने किया जहाज बने सैकड़े मन हजार मन पक्के ते बाबा जी तुहाडी धौण ते दो बोरियां रखांगे भर के मिट्टी दियां जां खंड दियां रख लो भला मठास लगी रहे ते जे तां तुसीं ब्यास बन्ने कर दित्तियां मोढ़े नाल ते फिर तां तुसीं साडे गुरु ते असीं तुहाडे चेले ते जे बाबा जी धौण ते रखियां दो बोरियां ते ब्यास दे विच ही डुब के मर गए फिर चार मन लकड़ां ला दिओ इह नहीं कि मन घट गल्लां जोशां दा कही जांदा जे असलियत नहीं ते दस दिओ ते सिंघो इन्ने लकीर दे फकीर बन गए इस चुकिया से गुरु निकलता है तो आ पुटिया के भागा न कि चेला लगता है जे पुछिए की कारण कहते साडा ख्याल गुरु बन के वेख लीए जे तो दुकान चल पी तो वाह भली नहीं फिर चेला तो वक्त से प्या कि जा नहीं मर्जी बन गए।